बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है, इसका ज़रा फीडबैक दें, फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं विद इन 2 मिनट्स। जी ओके ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है ये है कंपनी इनकॉर्पोरेशन और एस्टेब्लिशमेंट की। जितनी भी लॉ की प्रोविजंस हैं हम इसी सीरीज में पढ़ेंगे, जो कि रिलेटेड होंगी प्री इनकॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन से। तो जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की तो मैंने तुम्हें बताया कि इनकॉर्पोरेशन की स्ट्रेटजीज को मैंने इन 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। प्री इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड देयर आफ्टर द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट फॉर बिजनेस। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में मैंने तुम्हें सेक्शन की एक डेफिनेशन पढ़ाई, सेक्शन 2 क्रॉस 50। और प्री इनकॉर्पोरेशन में मैंने बताया कि प्रोमोटर एक ऐसा पर्सन है जिसका अहम करदार है। देयर आफ्टर कंपनी ने अपना नाम रिजर्व करवाना होता है, और नेम के ऊपर हमने डिटेल में एक प्रोविजंस पढ़ी, सेक्शन नंबर 10 पढ़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि आप जब भी प्लानिंग करें तो 60 डेज बिफोर आप जो है नेम रिजर्व करवा लें, और नेम लाजमन इस गाइडलाइन के मुताबिक होना चाहिए जो सेक्शन नंबर 10 ने हमें बताया। सेक्शन नंबर 10 ने एक जनरल बात की है, इनअप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल, डिसेप्टिव, लेकिन जो कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2017 में इशू हुई उसमें इनकी डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि हमारा मतलब इनअप्रोप्रिएट से क्या है, हमारा मतलब अनडिजायरेबल से क्या है, और कौन कौन से नाम जो हैं वो हमारी नज़र में आपको नहीं रखने चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब स्टूडेंट्स से, आप जस्ट उसको एक नज़र देख लें, आइडिया हो जाएगा कि एक कंपनी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। वो रेगुलेशन आपको बताएंगी, आपका CNIC वैलिड हो, NTN, ATC, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो आप एक नज़र पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किसी कंपनी का नाम हमने क्या रखना है, और किन कौन सी रिक्वायरमेंट में रहते हुए रखना है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि नेम जब रखा जाता है तो जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती, बन जाती, ये बाद के मैटर्स हैं, वो अपने नेम को चेंज भी कर सकती है। किसी नेम से जो कंपनी रजिस्टर होती है वो बाद में उसने कोई नेम रखना है तो वैसा ही तरीकाकार नेम की वैलिडिटी देख के अप्रूव करवा के वो चेंज कर सकती है। देयर आफ्टर रजिस्टर्ड ऑफिस हमने पढ़ा कि जब भी कंपनी एक इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, जब बन जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, तो उसके विद इन 30 डेज उसको ये जो कंपनी है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसका एड्रेस देना होता है कि ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन यहाँ पे सिचुएट है। उसके बाद मैंने आपको कहा था पब्लिकेशन खुद पढ़ लेना, और देयर आफ्टर मैंने कहा नेम को रिजर्व करवाने के बाद जो लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है, हमने कंपनी रजिस्टर करवानी है तो लीगल डॉक्यूमेंट नेक्स्ट आता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पूरे कंपनीज एक्ट में मेमोरेंडम का नाम सिर्फ पुकारा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इसका कंप्लीट नाम है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने डिफरेंट जो है फिलिंग द ब्लैंक्स करनी होती है, उन फिलिंग द ब्लैंक्स को क्लाजेज बोलते हैं।
वो फिलिंग द ब्लैंक्स किसी लाइन में पड़ी होती हैं, जैसे कि एक लंबी लाइन लिखी होती है नेम क्लास, उस लाइन को क्या देते हैं नेम क्लास, इस लाइन को फिल करना होता है। फिर इस लाइन के बाद एक अगली लाइन हमें मिलेगी, एक अगला पैराग्राफ मिलेगा जिसे हम नाम देते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, फिर है ऑब्जेक्ट क्लास, फिर है लाइबिलिटी क्लास, कैपिटल क्लास और सब्सक्रिप्शन क्लास। तो ये क्लाजेस का बच्चों मतलब क्या है, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट हम फिल करने जा रहे हैं ना, इसमें कुछ पैराग्राफ बने हुए हैं उनको हमने फिल करना, इनका नाम होता है क्लॉजेस। देयर आफ्टर बिजनेस एंड ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए पहले आपको, फिर ही आप इस डॉक्यूमेंट को फुलफिल कर सकेंगे। आपके पास नेम आ गया, फिर आपने सोचना है हमने काम कौन सा करना है। तो कंपनीज एक्ट पहले जो हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस थे वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड था इस मामले में कि जो कंपनी ने अपना बिजनेस का नेम इशू कर दिया या बिजनेस लाइन अपनी सेलेक्ट कर ली तो कंपनी उसके अलावा कोई काम ही नहीं कर सकती। लेकिन ये ब्यूटी है जो कंपनीज एक्ट 2017 की, उसने कहा कि कंपनी ने अगर कोई काम सोच लिया ना कि मैंने ये काम करना है, लेट्स सपोज कल मैंने एग्जांपल दी कि कंपनी ने सोचा कि मैंने लॉजिस्टिक का काम करना है, तो देयर आफ्टर कंपनीज एक्ट कहता है इस कंपनी को मैं अलाउ करूंगा, ये पावर दूंगा वो सारे काम कर ले अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो कुछ भी उसे लगेगा कि इस काम करने से मेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है, तो कंपनी एक्ट कहता है मैंने अलाउ कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को अचीव करने के लिए। फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मैंने पढ़ाया कि ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया नहीं देखना तो लॉ कहता है ऐसा बिजनेस होता है जिस बिजनेस से आपको अंदाजा लग जाता है कि इससे हमें सब्सटेंशियल रेवेन्यू आ जाते हैं। फिर लॉ कहता है विच एवर इज हायर, दोनों में से जो कंडीशन पूरी हो रही है वही आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहलाएगा। फिर देयर आफ्टर लॉ ने हमें बताया कोई भी पाकिस्तान में ऐसा काम ना करना जो हमने मना कर दिया है। फिर लॉ ने बताया कोई ऐसा काम करना हो जो रिस्ट्रिक्टेड है तो उसके लिए तुम लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिशन और अप्रूवल हमसे ले लेना। देयर आफ्टर मैंने मेमोरेंडम के बारे में आपको बताया कि मेमोरेंडम का मतलब होता है कंप्लीट नेम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको स्मॉल नेम से पुकारा जाता है मेमोरेंडम, और इसका मतलब है मेमोरेंडम को कंपनी एक्ट ने डिफाइन किया कि मेमोरेंडम जो है ओरिजिनली फ्रेम्ड ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आप ओरिजिनली हमसे अप्रूव करवाते हो, या वो वाला डॉक्यूमेंट होता है जो बाद में आप इसकी अल्टरेशन करते हो। इसी तरह आर्टिकल्स एक छोटा नाम है, इसका कंप्लीट नेम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लॉ कहता है आपने ओरिजिनली फ्रेम्ड किया है कंपनी लॉ के मुताबिक, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपने कंपनी लॉ के मुताबिक बनाना है। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय किए बगैर उसमें कोई चेंजिंग करना। देयर आफ्टर मैंने तुम्हें पढ़ाया कि मेमोरेंडम एसोसिएशन की क्लॉजेज हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले जब आप मेमोरेंडम सिलेक्ट करेंगे तो अपनी तरफ से ही मेमोरेंडम सिलेक्ट नहीं करना, सेक्शन नंबर 41 को तुमने फॉलो करना है। जो भी कंपनी तुम बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें सेक्शन नंबर 41 को पढ़ना चाहिए। सेक्शन नंबर 41 हमें कहता है कि कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उसके लिए तुम्हें चाहिए टेबल बी का मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जो होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और ये बना बनाया हमें मिलता है। तो सेक्शन नंबर 41 को मैं रेफर करता हूँ ये सब कुछ पढ़ाने से पहले कि जो भी कंपनी तुम बनाने जा रहे हो, अगर वो कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, मीन्स टू से वो कंपनी है प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी या स्मॉल सिंगल मेंबर कंपनी, तो ऐसी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो मेमोरेंडम जो है वो फुलफिल करेगी टेबल बी में जो मौजूद है। इसी तरह अगर आपने इन तीनों में से कोई कंपनी नहीं बनानी, इनके अलावा कोई बनानी है, अच्छा अलावा कौन सी कंपनी बनानी है, तुमने कंपनी जो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनानी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एज कंपनी जिसमें मेंबर्स की सिर्फ गारंटी ली जाएगी और कंपनी बन जाएगी, मेंबर्स का हलफनामा लिया जाएगा कंपनी बन जाएगी और वो हलफनामा ही काफी होगा, उस हलफनामे को शेयर्स के जरिए रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं। तो ऐसी कंपनी बनाने के लिए तुम्हें टेबल सी का मेमोरेंडम डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐसी कंपनी जिसमें हलफनामे से कंपनी एक बनाने लगे हो, गारंटी से एक कंपनी बनाने लगे हो, लेकिन फिर उस गारंटी को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो मेंबर्स के शेयर में, तो ऐसी जो कंपनी होती है वो टेबल डी का मेमोरेंडम बना बनाया डाउनलोड करेगी, प्रिंट करेगी, और इसके बाद जो मेंबर जो कंपनी होगी अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, उसके लिए लाजमी है कि वो टेबल
ई का जो है वो मेमोरेंडम डाउनलोड करे। अब हमें गाइडलाइन मिल गई कि हमने कौन से टेबल से क्या मेमोरेंडम डाउनलोड करना है। अब बच्चों प्रिंट हो गया, हमारे सामने आ गया, तो इसको हम अपनी मर्जी से फुलफिल नहीं करेंगे। जैसे हमें लॉ गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा ना, इसको वैसे ही फुलफिल करेंगे। लॉ ने बताया जो भी तुम डाउनलोड करोगे ना, प्रिंट करोगे, वो कैसे होगा? मेमोरेंडम शैल बी प्रिंटेड इन मैनर जनरली एक्सेप्टेड। उसके बाद ये आपको मिलेगा डिवाइडेड इंटू पैराग्राफ्स, ठीक है? ये जो डिवाइडेड इंटू पैराग्राफ्स होते हैं ना, इनको लॉ बोलता है क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम। फिर वो कहता है बाद में हर सब्सक्राइबर क्या करेगा, मेमोरेंडम जब भी फुलफिल हो जाएगा उसके एंड पे अपनी कंप्लीट डिटेल देगा जो हमने बताई है। और इसके बाद जब सब्सक्राइबर ये डिटेल दे देगा तो किसी विटनेस की मौजूदगी में ये काम करेगा, और विटनेस भी अपनी वो सारी डिटेल लिखेगा जैसे कि सब्सक्राइबर अपनी डिटेल लिखता है। देयर आफ्टर उन्होंने कह दिया कि मेमोरेंडम जब आप फुलफिल कर लें तो उसके नीचे तारीख लाजमी लिखें। अब मेमोरेंडम लिमिटेड बाय शेयर्स, मेमोरेंडम ऐसी कंपनी का जो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब तीन कंपनियों की बात होने लगी है। या तो कहता है आप पब्लिक कंपनी बनाएंगे, या कहता है आप प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, या कहता है आप SMC बनाएंगे। तो कहता है मेमोरेंडम आपके सामने आ गया, सबसे पहले आपने इसकी नेम क्लॉज फुलफिल करनी है। नेम के पैराग्राफ पूरा लिखा होगा मेमोरेंडम में, उसमें खाली जगह होगी, अपना नाम लिखें। फिर वो कहता है उसके उसके अंदर आपने अपनी मर्जी से अपना नाम नहीं लिखना, वही नाम लिखना जो तुमने रिजर्व करवाया था, अप्रूव हो गया। लेकिन उसको लिखने का एक तरीका है, द नेम ऑफ द कंपनी विद द वर्ड, अगर तुम्हारी कंपनी पब्लिक कंपनी हुई तो अपना नाम जो तुमने अप्रूव करवाया उसके नाम के एंड पे जस्ट लिख देना लिमिटेड। फिर अगर तुम्हारी प्राइवेट कंपनी हुई तो कहता है भूलना ना ब्रैकेट लगाना, एंड पैरेंथेसिस एंड द वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी नाम अप्रूव करवाया होगा उसके एंड वो नाम लिखने के बाद तुम लिखोगे प्राइवेट लिमिटेड। अगर तुम्हारी सिंगल मेंबर कंपनी हुई तो तुम SMC प्राइवेट और लिमिटेड के वर्ड यूज करोगे, बाकी कुछ नहीं करना। वो पूरी क्लॉज बनी बनाई लिखी लिखाई होती है। देयर आफ्टर अगले पैराग्राफ में तुमने बताना होता है एक्सपेक्टेड एरिया ऑफ पाकिस्तान, कि किस प्रोविंस में तुम काम करना चाहते हो उसका नाम लिखना होता है। वो हो जाती है सेकंड क्लास। थर्ड क्लास में तुम बताते हो कि हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा, हम मेजर हमारी एक्टिविटी क्या है जिसके लिए सारी कंपनी बनने जा रही है। देयर आफ्टर वहां पे एक अंडरटेकिंग होगी, एक हल्फिया बयान लिखा होता है जिसको सब मेंबर्स ने मानना होता है, वो SEC वो लॉ की तरफ से बना बनाया बयान होता है। देयर आफ्टर तुम उस मेमोरेंडम में बोलोगे कि जितने भी मेंबर्स आएंगे कंपनी के उनकी लायबिलिटी किसी लिमिट तक होगी और वो लिमिट शेयर्स डिसाइड करेंगे। देयर आफ्टर आप बताएंगे इस कंपनी का जो भी है कैपिटल कितना है और कितने कैपिटल, कितना ऑथोराइज्ड कैपिटल है इस कंपनी का, कि कंपनी क्या चाहती है, कितनी लिमिट तक ये बिजनेस करना चाहती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है कि कंपनी एक अंदाजन बताती है, उसके ऊपर फी सबमिट करवाती है कि मैं पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट से, अप टू इतनी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करूंगी। फिर उन्होंने कहा कोई भी सब्सक्राइबर जो है एक से कम शेयर नहीं लेगा और ईच सब्सक्राइबर जो है अपने नाम के एंड पे सिग्नेचर वगैरह साइन करेगा और लिखेगा कि कितने वो शेयर्स लेना चाहता है। ये हो गया कंप्लीट। देयर आफ्टर मेमोरेंडम जो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो गारंटी लिमिटेड के लिए भी वही मेमोरेंडम होता है बना बनाया, लेकिन चेंजिंग क्या होती है, वो अपने नाम के एंड पे जो भी नाम इसने अप्रूव करवाया होगा उस नाम के एंड पे लिखेगी गारंटी लिमिटेड। फिर उसके बाद प्रोविंस बताएगी इन द सेम मैनर, फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, अंडरटेकिंग होगी और लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। लेकिन इनके इनके मेमोरेंडम में एक खास बात लिखी जाती है कि मेंबर्स की जो लायबिलिटी लिमिटेड है ना, वो किसी अमाउंट के नहीं लेकिन किसी गारंटी के ऊपर लिमिटेड है। जब भी ये कंपनी बनेगी तो मेंबर्स जो है मेमोरेंडम के साथ हल्फिया बयान जमा करवाएंगे, हाँ जी मैं इस अमाउंट तक कसम उठाता हूँ कि कंपनी जब वाइंड अप होगी तो मैं इस कंपनी के एसेट्स में पैसा डालूंगा। और लॉ कहता है ये पैसा तब भी डालेगा जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, और हाँ अगर वाइंड अप कंपनी हुई विद इन अ ईयर, जब ये छोड़ के गया और पीछे से कंपनी वाइंड अप हो गई, तो लॉ कहता है अगर विद इन अ ईयर ये काम हुआ तो जो छोड़ के जाने वाला मेंबर है ना उसको भी पकड़ लेना है,
उसको भी कहना है कि भाई हिस्सा डालो वाइंडिंग अप में। तो ये लाइन जो थी कल भी मैंने पढ़ी थी, आज भी मैं पढ़ देता हूँ, सच अमाउंट एज में बी रिक्वायर्ड। इस लाइन को ऊपर वाली लाइन से मिला के पढ़ेंगे ना फिर बड़ी अच्छी समझ आएगी, दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड एंड सच अमाउंट एज में बी रिक्वायर्ड, उस अमाउंट तक लिमिटेड होगी एज में बी रिक्वायर्ड, लेकिन वो अमाउंट कभी भी एक्सीड नहीं होगी, नॉट एक्सीडिंग अ स्पेसिफाइड अमाउंट दैट ईच मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट of the company in events of being wound up while he is a member or within 1 year afterwards for the payments of debt and liabilities of the company contracted before he ceases to be a member and the cost charges and expenses of winding up and for the adjustment of rights of the contributories among themselves. To bachcho ye line jo hai na yaad rakhna, aur ye line jab main incorporation complete karwa lunga na तो फौरन इंशाल्लाह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वाइंडिंग अप, तुम्हें क्लियर हो जाएगा बिल्कुल सिनेरियो के कंपनी एक कैसे बनी और कंपनी अब एक कैसे किस तरीके से खत्म होने जा रही है। तो ये जो एफ पैराग्राफ है ना इसको अच्छी तरह 3-4 बार पढ़ लेना, ये जो लिखा हुआ है ना द एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटर्स अमंग देमसेल्फ, ये भी वहां पे क्लियर हो जाएगा और तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो जब भी एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाइंड अप होती है तो इस लाइन का मकसद क्या है जो कि मेमोरेंडम में लिखी हुई है, ये वहां पे भी सेंस क्लियर हो जाएगी। तो इसके बाद जी मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, सारा वैसा ही मेमोरेंडम होता है लेकिन हमने लिखना होता है अपने नाम के साथ अनलिमिटेड, और मेमोरेंडम बताता है कि मेंबर्स जो कंपनी के होंगे उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। याद रखना है बच्चों कल भी मैंने इस बात पे फोकस दिया था, जो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बनने जा रहा है उसकी दुनिया के सामने लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यही पर्पस होता है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को जन्म देने का, अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी अराइज हो जाए खुदा ना खास्ता तो फर्क किसे पड़े, सिर्फ कंपनी को पड़े, लेकिन जो मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उनकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही जाए, ठीक है। तो अनलिमिटेड कंपनी में ये केस नहीं होता, अनलिमिटेड कंपनी एक रूटीन मैटर में डील करती है, जैसे एक आम पर्सन पूरे जो है मार्केट में अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ डील करता है, तो मेंबर्स की लाइबिलिटी भी कंपनी के साथ अनलिमिटेड हो जाती है। तो ये सारे मैटर्स हमने कल यहाँ तक डिस्कस किए थे, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मेमोरेंडम जब एक रजिस्टर हो जाता है, जब एक कंपनी बन जाती है तो मेंबर्स के पास बाद में इख्तियार होता है कि इसको अल्टर भी कर सकते हैं, जैसे नेम चेंज किया तो मेमोरेंडम वगैरह भी चेंज होंगे तो इसको बाद में आप अल्टर कर सकते हैं। देयर आफ्टर कल मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल, पहले लीगल डॉक्यूमेंट होता है MOA, उसके बाद होता है AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पूरा एक लॉ लिखा होता है लेकिन आसान अल्फाज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप कंपनी लॉ को दोबारा अगर लिख दो ना तो वो बन जाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लॉ ने हर कंपनी के बना दिए हैं कि अगर कोई कंपनी एक्ट को मानने के लिए अपने असूल खुद नहीं बना सकती तो उसके लिए लाजिम होता है कि वो कंपनी एक्ट के एंड पे आर्टिकल बने बनाए हैं उनको डाउनलोड करे, हर सब्सक्राइबर के साइन ले ले और जमा करवा दे। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते क्या है, मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कंपनी और कंपनीज एक्ट जो है ना ये सबके पास मौजूद होगा रॉ फॉर्म में, आप इसको डाउनलोड करें तो नहीं तो SCCP की साइट से मिल जाएगा, डाउनलोड करें इसके एंड पे चले जाएं। जब ये कंपनीज एक्ट खत्म होता है तो एंड पे इसके शेड्यूल्स और टेबल शुरू हो जाते हैं, टेबल के बाद आपको नजर आएगा आर्टिकल्स बने हुए हैं, और आर्टिकल्स जब भी स्टार्ट होते हैं तो वो बताते हैं कि हम ये आर्टिकल्स लिखने जा रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो सारी सिनेरियोज के लिए उन्होंने आर्टिकल बनाए हुए हैं। और जब तुम आर्टिकल्स को पढ़ोगे ना तो तुमने मुझसे यार मीटिंग का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तुमने मुझसे डायरेक्टर का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तुम्हें समझ आ जाएगी कि आर्टिकल्स में होता क्या है। आर्टिकल्स में असल में लिखा जाता है कि कंपनी जो है कंपनी लॉ को कैसे नाफिज करेगी अपने ऊपर,
और जैसे मीटिंग्स कंपनी लॉ ने बताई थी तो आर्टिकल्स में कंप्लीट लिखा होता है, हाँ जी हम वैसे वैसे ही मीटिंग करेंगे, ऐसे ऐसे मीटिंग करेंगे। और जहाँ आर्टिकल्स को पार दी जाती है कंपनी एक्ट के थ्रू, बाज दफा हमने पढ़ा था ना मीटिंग में जाके, तो फिर जी कंपनी का आर्टिकल देख लेना, वो जो कहता हुआ उसका कहा मान लेना, कि इन केस ऑफ कोरम जो है पूरा नहीं होता तो लॉ ने कहा था इतने इतने नंबर होंगे तो तुमने मीटिंग करनी है, अगर कोरम नहीं पूरा होता तो अपने आर्टिकल देख लो। तो आर्टिकल क्या होता है, उसमें सारे सिनेरियोज लिखे होते हैं आपने कि इन इन दिस सिनेरियोज हम लोग क्या करेंगे और लॉ में रहते हुए कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये तो हो गया था आर्टिकल का इंट्रोडक्शन, और आर्टिकल की कहानी भी मैंने आपको बता दी कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल फिर उन्होंने कहा आर्टिकल भी आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए, उस फॉर्म में जो कि हमने पहले बनाए हुए हैं, जब भी आर्टिकल लिखोगे कंजेक्टिव नंबर में होने चाहिए, फिर उसी तरह इनको साइन डेटेड और करना है जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को किया था। अब जब एक कंपनी रजिस्टर हो जाए तो उन्होंने कहा आपके पास बाद में इख्तियार होता है कि आप अपनी कंपनी के आर्टिकल फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन नंबर 41, और आज हम जो है आगे पढ़ते हैं। कल मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवाया था और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने क्यों पढ़ा था और कैसे पढ़ा था। रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, इससे पीछे जो भी मैंने पढ़ाया था वो था फाइलिंग ऑफ आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम। अब फाइलिंग कंप्लीट हो गई, अब हमने मैटर्स पढ़ने हैं कि इनकी रजिस्ट्रेशन, कि जब ये एक बंदा उसने अपना नाम जो है सिलेक्ट करवाया, मेंबर्स ने नेम रिजर्व करवाया, उसके बाद मेंबर्स ने लीगल डॉक्यूमेंट जो एमओए था उसको फुलफिल किया, एओए था उसको फुलफिल किया, और उसके बाद उसको फाइल कर दिया। अब आगे की कहानी, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एन एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफाइड फॉर्म कंटेनिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कहता है तुम फिर क्या करोगे, एक स्पेसिफाइड फॉर्म में ना एप्लीकेशन मौजूद है एससीसीपी के पास कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए। उन्होंने कहा जब तुम मेमोरेंडम और आर्टिकल फुलफिल कर लेते हो ना अपने, तो तुम रजिस्ट्रार के पास ना एक एप्लीकेशन फाइल करोगे, और एप्लीकेशन तुमने वो नहीं लिखनी जो आम जुबान में लिखते हो, बाखिदमत जनाब रजिस्ट्रार साहब, वो कहते हैं जी एप्लीकेशन बनी बनाई स्पेसिफाइड फॉर्म में हमारे पास पड़ी है, लेकिन उसमें तुमने ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। उस एप्लीकेशन के साथ तुम डिक्लेरेशन लगाओगे कि हम कसम उठाते हैं कि हम एक्ट को मानेंगे, और एक्ट के बाद जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन एससीसीपी इशू करेगा ना, हम उसको भी मानेंगे। ठीक है, ये एक डिक्लेरेशन हम देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमने जो लॉ ने बताई थी वो भी मानी हुई है। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम बताते हैं कि ये जी हमारा साथ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी है, जो कि तुमने जैसे कहा था वैसे फिल किया और उसको साइन भी करवाया है, और वो ड्यूली विटनेस्ड है और डेटेड है। उसके बाद हम कहेंगे आपने अगला डॉक्यूमेंट हमें बताया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो भी हमने बनाया है या डाउनलोड किया है, और ये भी हमने साइन किया है और विटनेस्ड है। उसके बाद आपको पता होगा कि हमने अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ना सिर्फ इलाका बताया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का सिर्फ अभी सूबा बताया कि हमने अभी जो है एक्सपेक्टेड है हम सूबा पंजाब में या सिंध में या कहीं किसी सूबे में हम परफॉर्म करेंगे। अभी सिर्फ मेमोरेंडम में ना सूबे का नाम है, तुमने अभी कोई एड्रेस नहीं दिया। तो इन दैट केस कहता है तुमने तुम्हारी कंपनी का अभी रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो कोई ऐसा एड्रेस बता दो जहाँ पे अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हुई तो तुम्हें नोटिफाई किया जाए और बताया जाए। एन एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इट्स एस्टेब्लिश्ड। कहता है जब तक तुम्हारा कोई कंपनी जो बनने जा रही है उसका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं ना होता, तो कहता कोई एक ऐसा एड्रेस बता देना जहाँ पर कोई भी हम आपको डॉक्यूमेंट वगैरह या नोटिफिकेशन भेज सके। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाए और वो चेक कर ले कि जितने भी डॉक्यूमेंट तुमने फाइल किए हैं वो विद इन लॉ हैं, और सारे रूल्स रेगुलेशंस जो आपने अंडरटेकिंग दी है कि हमने फुलफिल कर लिए हैं, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को जो उसको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सबको रजिस्टर कर लेगा।
जब मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो जाएंगे तो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा और बता देगा, और उस सर्टिफिकेट का इशू होना ही एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है। उस सर्टिफिकेट का इशू होना ही एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब कि ऐसा एविडेंस जिसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। उस मेमोरेंडम का रजिस्टर हो जाना, आर्टिकल का रजिस्टर हो जाना एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है। पता चलता है, एक सर्टिफिकेट इशू होता है जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लॉ बोलता है। ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि आपकी कंपनी बन चुकी, कंपनी जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है इसका कयाम हो चुका। उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगी कि कब ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट हुआ। फिर उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है या ये प्राइवेट कंपनी है या ये पब्लिक कंपनी है, या ये लिमिटेड कंपनी है या ये अनलिमिटेड कंपनी है, और अगर ये लिमिटेड कंपनी है तो इसके शेयर्स की लायबिलिटी जो लिमिटेड बाय गारंटी है या ये लिमिटेड बाय शेयर्स है। तो बच्चों, जब आप कहने का मतलब ये आर्टिकल फाइल कर देते हो, एमओए फाइल कर देते हो, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो कि रेगुलेशन कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन में मौजूद हैं वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हो, तो उसके बाद रजिस्ट्रार उन डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी करने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। और उन्होंने बताया कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे ना ये सारी चीजें लिखी होती हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ सर इनकॉर्पोरेशन होता कैसा है, ये देखो, मैंने एक कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दिखाया। इन लोगों ने क्या किया था, ये तारीख आपको नजर आ रही होगी, ये देखो, ये कोई कंपनी है 20/3/2017 को बनी थी, ठीक है, डेट भी मेंशन है। इस तारीख को क्या हुआ था कि कंपनी ने वो सारी चीजें फाइल की जो अभी तक तुमने पढ़ी हैं। तो देखो फिर एससीसीपी ने क्या इशू किया, एससीसीपी ने एक सर्टिफिकेट इशू किया। इस सर्टिफिकेट का नाम है द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और 2017 में अभी तुम्हें याद है कि कंपनीज एक्ट अभी अनाउंस होना था, तो ये कंपनी बनी हुई है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक। अब सिर्फ इस सर्टिफिकेट में ये चेंज आ रही है कि प्रिवेलिंग एक्ट का नाम मौजूद है, ठीक है। अब सिर्फ सर्टिफिकेट जो इशू हो रहे हैं तो यहाँ पे एक लाइन चेंज है जो बताते हैं कि ये कंपनी बनी है अंडर सेक्शन, ये सेक्शन 19 जो हमने पढ़ा, जो कोई भी ऊपर सेक्शन पढ़ा इसके तहत बनी है। किधर गया वो सेक्शन, हाँ सेक्शन 16 के तहत बनी है। सिर्फ ये एक लाइन चेंज करते हैं। उसके बाद ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है, कंपनी का यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कंपनी का नेम क्या है, ये नजर आ रहा है नेम इसका ये है, और ये कौन सी कंपनी है, ठीक है, और ये किसके अंडर बनी, ये कंपनीज एक्ट का नाम आएगा। और देखो ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, वो सारी रिक्वायरमेंट है ना यार जो तुमने पढ़ी है। तो यकीन जानो जो भी तुम पढ़ रहे हो ना, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो बड़ा इंटरेस्ट लेके यार इसको पढ़ना, कभी भी इसको ऐसा ना सोचना कि ये बस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसका तुम्हें कभी फायदा ही नहीं होना। इस सब्जेक्ट का हर हाल में तुम्हें फायदा होगा। तुम जिस भी कंपनी में जाओगे, जहां भी जाओगे, अपना खुद का कारोबार करोगे, तब भी तुम्हें ये फायदा देगा। तो देखो उन्होंने बताया, फिर आगे ये रजिस्ट्रार लिखता है, रजिस्ट्रार जो भी था ना जिसने इसको रजिस्टर किया, खालदा परवीन थी, उसने बताया कि ये कंपनी मैंने अपने हाथों से रजिस्टर की इस जगह इस वक्त और इस टाइम पे, फिर ये स्टैंप लगाई उसने अपनी। तो ये सारी बातें अब तुम पढ़ने लगे हो, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस से दिखा दिया। और हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तुमको नहीं बनाना आना चाहिए, जो चीज बनानी आनी चाहिए वो मैंने सिखा दी है, नोटिस आपको बनाना आना चाहिए। तो देखें ये सारी लाइंस जो मैंने पढ़ी थी ना कि मेमोरेंडम जो है उसको फिलफिल करना, जो मेमोरेंडम फाइलिंग के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो करेगा रजिस्ट्रार, तो उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाई हैं यकीन जानो वही चीजें इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे मेंशन है, इसके अलावा कोई भी चीज मेंशन नहीं।
सर्टिफिकेट शैल बी साइन साइन बाय द रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट शैल बी साइन बाय द रजिस्ट्रार आर द ऑथेंटिकेटेड बाय द रजिस्ट्रार्स ऑफिशियल सील्स। कहता है सर्टिफिकेट को रजिस्ट्रार साइन करेगा और उसके ऊपर अपनी एक सील लगाएगा, ये सील नजर आ रही होगी। सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, ये जो सर्टिफिकेट जब भी एक कंपनी को इशू हो जाता है तो ये बगैर कोई शक के एक एविडेंस, एक सबूत है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट थी ना कंपनीज एक्ट की वो इन्होंने फुलफिल की, जो कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम इज रिफ्यूज्ड, अगर रजिस्ट्रार आपको आपका मेमोरेंडम रजिस्टर्ड नहीं करता और ये सर्टिफिकेट आपको नहीं देता, रिफ्यूज कर देता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप विद इन 30 डेज कमीशन को अपील, SCCP को अपील करें। SCCP का जो ऑर्डर है वो फाइनल होगा इसके ऊपर कि आपको रजिस्टर्ड करेंगे या नहीं करेंगे आपकी कंपनी को, वो फाइनल होगा और वो डिसीजन जो है किसी कोर्ट या अथॉरिटी के सामने अपीलेबल नहीं होगा। ये थी रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। बच्चों ये जो सेक्शन नंबर 17 है ना, ये इस बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ ना उसमें आया, होपफुली शायद आपको भी आ जाए, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा बैंक बनवा लेती है ना किसी से तो कम ही चांसेस होते हैं कि उसको चेंज कर पाए। तो याद रखो ये ICMA के डाटा बैंक में क्वेश्चन जा चुका है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, उन्होंने बताया कि जब आर्टिकल और मेमोरेंडम रजिस्टर हो जाते हैं तो जो सब्सक्राइबर हैं इनके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है और जो कंपनी है इसका इफेक्ट क्या होता है। तो ये पूछा गया था स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में कि कंपनी है उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल सबमिट करवाए हैं रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ने वो आर्टिकल मेमोरेंडम सबमिट कर दिए हैं, सेक्शन एग्जाम में खुद बताया जाता है तुमको याद करने की जरूरत नहीं। उसने पूछा था एज पर सेक्शन नंबर 17 बताओ इसका इफेक्ट क्या होगा। तो सुन लो, मेमोरेंडम और आर्टिकल जब रजिस्टर हो जाते हैं तो इनका इम्पैक्ट क्या होता है। मेमोरेंडम आर्टिकल शैल व्हेन रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स थेरऑफ टू द सेम एक्सटेंट एज इफ दे रिस्पेक्टिवली हैड साइंड बाय द ईच मेंबर। देखो मेमोरेंडम और आर्टिकल जो थे ना वो सब्सक्राइबर ने फुलफिल किए थे, बाद में आने वाले जो मेंबर्स होते हैं ना वो कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब करते हैं, वो सब मेंबर्स फिर आर्टिकल को जाके दोबारा साइन नहीं करते। उन्होंने कहा कि जब एक मेमोरेंडम या आर्टिकल बन जाते हैं जो रिमेनिंग मेंबर्स और सब्सक्राइबर बाद में आते हैं वो कंपनी को और मेंबर्स को सेम एक्सटेंट में बाइंड कर देता है और कंटेन्ड अ कोविनेंट ऑन द पार्ट ऑफ ईच मेंबर एंड इज हेयर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू ऑब्जर्व एंड टू बी बाउंड बाय द ऑल प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इनका कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब है जब भी एक मेमोरेंडम या आर्टिकल रजिस्टर हो जाता है, कोविनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट। उन्होंने बताया जब भी एक मेमोरेंडम या आर्टिकल रजिस्टर हो जाता है वो कंपनी को और उसके मेंबर्स को आपस में बाइंड कर देता है, जोड़ देता है, और एक अग्रीमेंट होता है एक किस्म का ये कि मेंबर्स और अगर कोई मेंबर मर गया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बाउंड हैं कि कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के मुताबिक ही सारा काम करेंगे। तो ये इफेक्ट होता है मेमोरेंडम और आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन का। फिर मेमोरेंडम जब रजिस्टर करवाना होता है तब हम किसी भी सब्सक्राइबर ने, आपने पीछे पढ़ा होगा कि सब्सक्राइबर जो है मेमोरेंडम के जो कंपनी बना रहे हैं वो सिर्फ लिखते हैं मेमोरेंडम की एंड वाली क्लाज में कि हम अंडरटेक करते हैं कि हमने लेट सपोज 15,000 शेयर अंडरटेक करने हैं, कि हमने 15,000 शेयर जो है सब्सक्राइब करने हैं, वो अंडरटेकिंग देते हैं कि जो कंपनी बनने वाली है इसमें हमारी सब्सक्रिप्शन क्या है। तो देयर आफ्टर जब मेमोरेंडम जो होता है रजिस्टर हो जाता है ना तो जो उन्होंने लिखा था ना कि हम वादा करते हैं कि इतने शेयर लाजमी सब्सक्राइब करेंगे, तो ऑल मनी पेएबल बाय द सब्सक्राइबर,
इन परसुएंस ऑफ हिज अंडरटेकिंग. तो कहता है जब तुमने मेमोरेंडम जमा करवाया था तो सब्सक्राइबर ने एक हल्फिया बयान दिया था कि वाकई जब ये पर्सन बनेगा तो हम इसके शेयर सब्सक्राइब करेंगे. तो लॉ कहता है जब मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो जाए तो जितने भी पैसे होते हैं ऑल मनी पेएबल बाय द सब्सक्राइबर इन परसुएंस ऑफ हिज अंडरटेकिंग इन द मेमोरेंडम Memorandum of association against the share shall be subscribed shall be a debt due from him and payable in cash within 30 days from the date of incorporation. जब भी ये memorandum और article issue हो जाएंगे, register हो जाएंगे, तो जितने भी subscriber ने लिखा हुआ था ना कि हाँ जी हम कसम उठा रहे हैं कि जैसे ही ये person बनेगा हम इसके share subscribe करेंगे, तो उन्होंने कहा लो जी ये person बन गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, जिस जिसने ये अंडरटेकिंग उठाई थी वो अब इस कंपनी को, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसको पैसे दे. द रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ मनी फ्रॉम द सब्सक्राइबर, जो भी आप सब्सक्राइबर से पैसा रिसीव करेंगे उसका सबूत जो है कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करेगी. देखो अब मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर का किरदार था, अब सब्सक्राइबर का नाम नहीं आ रहा, अब कंपनी का नाम आना शुरू हो गया क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब भी इशू हुआ तब ही क्याम हो गया था एक आर्टिफिशियल पर्सन का, एक फर्जी पर्सन का एक क्याम हो गया था. अब उस फर्जी पर्सन के जो शेयर सब्सक्राइब करने थे उसने बोलना है उसके शेयर सब्सक्राइब करो और इस फर्जी पर्सन को पैसा दो. तो कंपनी जो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, फिर कंपनी बताएगी रजिस्ट्रार को विद इन 45 डेज के जितने भी पैसे जिन लोगों ने बाय द वे ऑफ शेयर्स अंडरटेक किए थे उन्होंने ले लिए, उन्होंने सब्सक्राइब किए शेयर्स या नहीं किए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे सर अगर इनके ऑपोजिट काम हो जाए तो भाई याद रखना हमने वाइंडिंग अप तो पढ़ना है ना, तो वाइंडिंग अप में ये सारी चीजें बड़ी काम आएंगी. अभी तुम पढ़ लो इनका पॉजिटिव वे, फिर वाइंडिंग अप में अगर इनका ऑपोजिट हो जाता है चीजों का तो वो भी जाके पढ़ेंगे वहां पे. तो अगर कोई पर्सन जो है इसका ऑफेंस करता है उसको लेवल वन की पेनल्टी इंपोज की जाती है. देयर आफ्टर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 18, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी हैज फॉलोइंग इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अब ये पहले था मेमोरेंडम का इफेक्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल का इफेक्ट जब वो रजिस्टर हो जाते हैं, अब कंपनी का इफेक्ट है कि जब कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है वो क्या करेगी. Subscriber to the memorandum together with other person as may from time to time become the member of the company or the body corporate. उन्होंने कहा जितने भी subscriber होंगे और जितने भी members आएंगे बाद में वो एक body corporate को body corporate में join होंगे और उसका वही नाम होगा बॉडी कॉर्पोरेट का जो कि certificate of incorporation में होता है. जो body corporate होगी वो सारे function इम्प्लीमेंट कर सकती है इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का. इस बॉडी कॉर्पोरेट के परपेचुअल सेशन होते हैं बच्चों, एक लफ्ज होता है परपेचुअल सेशन, लॉ में होता है परपेचुअल सेशन. परपेचुअल सेशन की क्या डेफिनेशन है, देखो अगर एक सोल प्रोपराइटर, कंपनी से बाहर निकलने की बात कर रहा हूं मैं, कंपनी एक्ट से बाहर निकल के सोचो जरा, जब एक सोल प्रोपराइटर होता है, आपने कई एग्जाम्पल देखी होगी, एक अच्छा समोसे वाला, एक अच्छा चाय वाला, उसका बिजनेस अच्छा चलता है लेकिन जब वो बेचारा मर जाता है साथ ही उसका बिजनेस ठप हो जाता है, वैसा उसका काम नहीं करना, जो उसकी औलाद होती है वैसा काम नहीं कर पाती. तो परपेचुअल सेशन का मतलब ये है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का क्याम, और ये ऐसा पर्सन है जिसको इफेक्ट नहीं होगा अगर इसके जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी की डेथ हो जाए. इसके सेशन चलते रहते हैं, जब भी एक कंपनी बनती है तो सोचा जाता है कंपनी का परपेचुअल सेशन होगा. परपेचुअल सेशन लॉ कहता है मैं सोचूंगा जो भी कंपनी बनेगी ये फॉर फ्यूचर ऑन गोइंग है. लॉ कहता है मैं कभी नहीं सोचूंगा कि एक कंपनी बनी तो 10 साल के लिए बनी, 15 साल के लिए बनी. लॉ कहता है इसके परपेचुअल सेशन होते हैं. और अकाउंटिंग में आप पढ़ते हो गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट, कि कंपनी बिजनेस हम सोचेंगे कि चलता जाएगा फॉर फोरसीएबल पीरियड. हम लॉ में कभी भी आप ऐसा वर्ड नहीं पढ़ोगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है सिर्फ 10 सालों के लिए, अभी तक आपने नहीं वर्ड पढ़ा और ना आगे पढ़ोगे. लॉ कहता है जब भी कंपनी रजिस्टर होती है परपेचुअल सेशन होते हैं उसके, और परपेचुअल सेशन मैंने तुम्हें एक बिल्कुल लोकल सी एग्जांपल देके समझाया.
परपेचुअल सेशन का मतलब मेंबर आए या जाएं, ये जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है इसको इफेक्ट नहीं होना जब तक इसको फोर्सफुली बाय वाइंडिंग अप खत्म ना किया गया। परपेचुअल सेशन एंड हैविंग कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब कि इसकी एक अपनी स्टैंप होगी, अपनी सील होगी, और आगे जब लेक्चर चलेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कॉमन सील से मतलब क्या है और ये कैसी होती है। स्टेटस एंड रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, स्टेटस एंड रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी आर स्टेटेड। अब ये सेक्शन जो है खुद पढ़ लेना, आसान लिखा हुआ है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो समझाने वाला था मैंने तुम्हें समझा दिया। देखो यहाँ तक जो है ना सारी कंपनीज के ऊपर बात लागू होती है, यहाँ तक जितनी भी कंपनीज बनती है ना सब पे बात लागू होती है। प्राइवेट कंपनी, SMC, यहाँ तक काम होने के बाद ना प्राइवेट कंपनी अपने रास्ते पे चली जाएगी, जो उसका बिजनेस उसने मेंशन किया था ना अब वो लॉफुली क्रिएट हो गई है वो बिजनेस करने के लिए। प्राइवेट कंपनी और SMC याद रखना, जैसे ही उनको ये वाला सर्टिफिकेट मिला था ना, ये वाला, ये जैसे ही इस कंपनी को सर्टिफिकेट मिला था, इसका जो भी मेमोरेंडम में पर्पस था, जो भी मेमोरेंडम में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस था, उसको अचीव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी अब पाकिस्तान में। इसके बाद लेकिन जो पब्लिक कंपनी होगी, याद रखना जो पब्लिक कंपनी होगी और ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है, दो कंपनियों को याद रखना, जो पब्लिक कंपनी होगी और ऐसी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, दो कंपनियों के मैं नाम ले रहा हूं, ऐसी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय, जो पब्लिक कंपनी है प्लस लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, दो कंपनियों की बात हो रही है, जब उनको ये सर्टिफिकेट मिलेगा वो कभी भी पाकिस्तान में काम करने के काबिल नहीं होंगी जब तक वो कंडीशंस ना कुछ फुलफिल कर ले। पब्लिक कंपनी को और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल को इस सर्टिफिकेट के बाद एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहां तक जो भी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी और SMC, उसकी कहानी यहां पे खत्म हो गई, अब वो काम करने के लिए निकल जाएगी। लेकिन पब्लिक कंपनी फिर बैठी रहेगी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, उन पे सेक्शन नंबर 19 अप्लाई होगा। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय अ पब्लिक कंपनी हैविंग, पब्लिक कंपनी या गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, सेक्शन नंबर 19, पब्लिक कंपनी शैल नॉट स्टार्ट इट्स ऑपरेशन आर एक्सरसाइज एनी बोरिंग पावर अनलेस। उन्होंने कहा पब्लिक कंपनी शैल नॉट का मतलब होता है पक्की बात है, पब्लिक कंपनी कभी भी अपने ऑपरेशंस किसी भी किस्म के स्टार्ट नहीं करेगी, ना ही कोई कर्जा वगैरह लेगी, अनलेस जब तक ये 4-5 बातें पूरी ना हो जाए। शेयर हेल्ड सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द होल अमाउंट इन कैश हैव बीन अलॉटेड टू द अमाउंट नॉट लेस देन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड द मनी हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। बच्चों जब भी एक पब्लिक कंपनी बनती है ना तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताती है कि हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल तो इतना है, लेकिन हम सोचते हैं अगर इतना कैपिटल इकट्ठा हो गया तो हम काम कर लेंगे। तो लॉ कहता है जो तुमने मुझे बताया था ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्या वो तुमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव कर ली आवाम से? अगर नहीं की, अगर वो अचीव कर ली है तो बताओ क्या उसके पैसे आपको मिल चुके हैं कंपनी को? ठीक है, याद रखना है जब भी पब्लिक कंपनी बनती है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताती है कि कम से कम इतना पैसा इकट्ठा होगा तो हम काम कर लेंगे। तो लॉ कहता है जो तुमने मुझे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना बताए तो होल सब्सक्रिप्शन होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन या पब्लिक कंपनी को कहा जाता है होल सब्सक्रिप्शन, जो तुमने हमने बताई थी कि इतने पैसे इकट्ठे करोगे तो क्या तुम्हारे मेंबर्स से पैसे इकट्ठे हो गए हैं? हाँ, अगर हो गए हैं तो पैसा रिसीव हो गया। दूसरी बात, जब पब्लिक कंपनी बनती है, जब भी मेमोरेंडम फाइल होते हैं उसमें डायरेक्टर का नाम लिखा जाता है, कहता है एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड टू द कंपनी फुल अमाउंट
of each shares taken by him and for which he is liable to pay in cash. कहता है वो जो मेमोरेंडम में जिनका नाम तुमने डायरेक्टर रखा है उन्होंने मेमोरेंडम में लिखा हुआ था एज अ सब्सक्राइबर हमने कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने हैं. तो कहता है क्या तुमने ऐसे पर्सन से सारे के सारे पैसे ले लिए हैं? पैसा ही लेना है इनसे, कुछ और चीज नहीं लेनी, कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी, जो भी पैसे लेने हैं वो कहता जी इनसे ले लो. फिर उसके बाद तीसरा स्टेप उन्होंने बताना है कि पब्लिक कंपनी जब भी बनती है वो प्रॉस्पेक्टस जब इशू करती है तो कुछ एप्लीकेशन पब्लिक कंपनी रख लेती है अपने पास और कुछ शेयर्स जो हैं वो कैंसिल कर देते हैं, सॉरी कुछ एप्लीकेशन कैंसिल कर देते हैं कि इन पर्सन को मेंबर नहीं बनाना हमने. तो ऐसी कंपनी को कहा गया कि वो जो एप्लीकेशन अवाम की तुम्हारे पास आई थी और तुमने रिजेक्ट कर दी थी तो ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर तुमने सारा पैसा वापस किया या नहीं किया? नो मनी इज आर मे बिकम लायबल टू बी रीपेड टू द एप्लीकेंट ऑफ एनी शेयर विच हैज बीन ऑफर्ड टू फॉर द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. बच्चों याद रखना जब भी ये पब्लिक कंपनी बनती है तो पब्लिक कंपनी अवाम को एप्लीकेशन अवाम को प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बनने जा रहा है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है. तो प्रोस्पेक्टस के एंड पे ना एप्लीकेशन होती है. इसकी बिल्कुल लीगल सोशल एग्जांपल दूं ना, बिल्कुल सोशल एग्जांपल दूं जो कि बिल्कुल कंपनी एक्ट से बाहर है. जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, इवन के जब तुमने ICMA में एडमिशन लिया तो तुमने एक प्रोस्पेक्टस खरीदा था. प्रोस्पेक्टस सारा बयान किया होता है कि ये कौन सा कॉलेज है, हमारी एक्टिविटीज क्या है, हमसे पढ़ने के बाद तुम क्या बन जाओगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है. इसी तरह हर जो पब्लिक कंपनी होती है ना अपना एक डिटेल में किताबचा छापती है जब वो इनकॉर्पोरेट होती है कि हम क्या चीज़ हैं, हमने क्या करना है और हमारे मेंबर्स को क्या फ़ायदे होंगे. तो एंड पे जाके ना वो एक एप्लीकेशन अटैच करती हैं, अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं इस एप्लीकेशन को फिल करें और हमारे पास फाइल कर दें और हम आपको विद इन 45 डेज ये सोच के बताएंगे कि आप हमारे मेंबर बनेंगे या नहीं. ठीक है, तो कंपनी ने जिन लोगों को मेंबर बना लिया तो ठीक है उनसे पैसे ले लो और जिनको नहीं बनाया तो उनके पैसे वापस करने हैं. तो तीसरी अंडरटेकिंग वो मानी. तो तीन शर्तें उन्होंने मांगी. पहला कि जो भी सब्सक्राइबर जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन थी जितनी मिनिमम अमाउंट तुमने बताई थी वो ले ली है लोगों से. दूसरा कि जितने भी डायरेक्टर थे उन डायरेक्टर से तुमने पैसे ले लिए हैं जो उन्होंने कहा था हमने शेयर सब्सक्राइब करने. तीसरा कि जब तुमने जनरल पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को तुमने बताया था कंपनी बनने लगी है और सब लोगों ने एप्लीकेशन दी थी उन लोगों के पैसे वापस कर दिए हैं जिनकी एप्लीकेशन तुमने नहीं मंजूर की. ये तीन काम करने के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव से और एक डायरेक्टर से कसम लेते हैं, अंडरटेकिंग लेते हैं, डिक्लेरेशन लेते हैं, अ ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव. एक हल्फिया बयान लेते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव से और डायरेक्टर से और सेक्रेटरी से इन स्पेसिफाइड फॉर्म. और ये बयान होता है पहले से बने बनाए फॉर्म के ऊपर जो SECP के पास मौजूद है. कहता है जब ये तीन काम पूरे हो जाए ना तो CEO डायरेक्टर और सेक्रेटरी जो ये पब्लिक कंपनी के होंगे वो क्या करेंगे, अ ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी इन स्पेसिफाइड फॉर्म that all the above aforesaid condition have been complied with has been filed with the registrar. ठीक है, जब वो कहता तुम ये तीन कंडीशन पब्लिक कंपनी पूरी कर लोगी ना तो तुम्हारा चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी एक कसम उठाएंगे, हल्फिया बयान जमा करेंगे, रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे कि सारी की सारी ऊपर जो तीन कंडीशन है ना हमने फुलफिल कर ली है. In case of a company which has not issued a prospectus. देखें public company बच्चों सुनना दो किस्म की होती है, अब सुन लेना जरा गौर से. एक public company होती है जो के कहती है कि ये एक public company है और सिर्फ और सिर्फ fundraising करनी है ये 6-7 लोग हैं. ठीक है, इन 7 लोगों से ही पैसे मिलने हैं और बिजनेस चला लेंगे.
ठीक है, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें 6-7 ही मेंबर होते हैं, और कुछ पब्लिक पब्लिक कंपनीज होती हैं जिनका लार्ज इम्पैक्ट होता है, जो कहती हैं कि 7 लोगों से तो पैसे लेने हैं और इसके अलावा आवाम से भी पैसे ले लेंगे, क्योंकि ये एक पब्लिक कंपनी है, तो उन्होंने कहा कि हम आवाम से भी पैसे ले लेंगे। तो ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि ये काम करती है, आवाम से भी पैसे लेती है, डायरेक्टर से भी पैसे लेके काम करती है, उनको मेंबर बनाती है। इसमें ऑप्शन होती है कि आम आवाम को भी शेयर इशू करके शामिल कर किया जा सकता है कंपनी में। तो ऐसी पब्लिक कंपनी के ऊपर लाजिम होता है कि वो प्रॉस्पेक्टस इशू करें, नोट कर लेना अपने पास, आगे जाके भी हमें आसानी होगी। ऐसी पब्लिक कंपनी के लिए इशू होता है प्रॉस्पेक्टस इशू करे, और प्रॉस्पेक्टस में शेयर एप्लीकेशन लगी होती है। फिर बाज़ पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए ना, तो बाज़ पब्लिक कंपनी ऐसी कि जिसके लेट सपोज 7 मेंबर हैं, वो फिर अवाम को प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती, वो फिर इन 7 लोगों को ना सिर्फ एक स्टेटमेंट इशू करती है, क्योंकि उनको पता होता है ये 7 लोग हैं, इन्हीं से पैसा आना है, तो एक स्टेटमेंट इशू करती है जिसके ऊपर वो सब्सक्राइब कर जाते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस जो अवाम को इशू करते हैं। और ये ऐसी पब्लिक कंपनी करती है जिसको जिसने फंड रेजिंग करनी होती है थ्रू आउट द पाकिस्तान, वो एक अपना किताबचा बनाती है, कंप्लीट डिटेल बताती है हर एक को। लेकिन जो 7 लोग जिन्होंने सोचा था हम एक पब्लिक कंपनी बनाएंगे, उनको पहले से ही पता है हमने किस लिए पब्लिक कंपनी बनानी है, तो लॉ कहता है ऐसे लोगों के लिए प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं, ये एक स्टेटमेंट, छोटी सी स्टेटमेंट बना लें जिसका नाम होगा स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रोस्पेक्टस के ही जैसी है। ठीक है, अब समझ आ जानी चाहिए 2 वर्ड्स की, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, और जब प्रोस्पेक्टस का चैप्टर स्टार्ट होगा तो तुम्हें दिखा भी दूंगा कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। मैंने कहा अभी एक सोशल एग्जांपल सोच लो कि जब तुम एडमिशन लेने गए तो तुम्हें एक किताबचा दिया जाता है छोटा सा, कि आप पहले प्रोस्पेक्टस तो देखें कि आप प्रोग्राम शुरू करने से पहले कहाँ पहुंचेंगे और कहाँ पे हैं, और इसको अचीव करने के बाद कहाँ होंगे और आपका स्टेटस क्या होगा। तो इसी तरह अगर एक पब्लिक कंपनी जो कि पब्लिक के ऊपर लार्ज इम्पैक्ट होता है, वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और इन केस पब्लिक कंपनी के चंद ही मेंबर हैं, तो उनको वो एक स्टेटमेंट इशू कर देती है जिसको बोला जाता है स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन केस ऑफ अ कंपनी विच हैज नॉट इशूड अ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक, ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, देयर हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास इनको फिर एक फाइल करना पड़ेगा अ स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस जो के लॉ ने बता दी है, बनी बनाई पड़ी है सेकंड शेड्यूल में। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, कहता है जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है अमाउंट फिक्स बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जब भी एक पब्लिक कंपनी बनी थी तो मेमोरेंडम में एक अमाउंट लिख दी गई थी, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अमाउंट एक लिख दी गई थी कि कम से कम इतना पैसा इकट्ठा होगा जिसके ऊपर फिर डायरेक्टर क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट कर देंगे अवाम को, कम से कम वो लिमिट अचीव होगी, पैसा उतना इकट्ठा होगा तो काम चल सकेगा। तो कहता है ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है, कहता है अगर कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन फिक्स नहीं की आप लोगों ने मेमोरेंडम में, तो जितनी अमाउंट आपने शेयर कैपिटल की हमें बताई थी ना ऑथोराइज कैपिटल, हम उसको ही सोच लेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो सेक्शन नंबर 19 याद रखना, हर उस कंपनी ने फुलफिल करना है जो के पब्लिक कंपनी है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल है। हाँ जी, ये होता है, मुझे बहुत पुराना सर्टिफिकेट मिल गया था, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये देखो एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर बिजनेस लिया है, शुगर मिल थी कोई, ये बड़ा सर्च करने के बाद मुझे मिला, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत ही पुराना सर्टिफिकेट है, बहुत ही पुरानी हालत में मिला, और इवन के ये देखो ये टाइपराइटर से टाइप हुआ है। तो आपको एक जो है बिल्कुल आपको एक चीज दिखाने के लिए कि जो भी तुमने पढ़ा रियल पढ़ा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक असल में ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दिखाया जाए, जैसे मैंने सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाया, आपको ऐसे ही सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी दिखाया जाए। ये भी 1984 के तहत कंपनी बनी थी शुगर मिल, ये देखो उन्होंने कहा ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी,
और इस कंपनी ने ना बाद में उन्होंने कहा ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन, हम हमारे पास वो सारी डिक्लेरेशन फाइल कर दी हैं, जो कि तब ये सेक्शन होता था सेक्शन नंबर 146 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय पब्लिक कंपनी। ये कंपनीज एक्ट ऑर्डिनेंस में ना सेक्शन नंबर 146 होता था, जब भी ये कंपनी बनती थी ना उसको कहते थे कि चलो तुम्हारी इनकॉर्पोरेशन हो गई, अब सेक्शन नंबर 146 को अप्लाई करो। अब वो सेक्शन जब कंपनीज एक्ट 2017 बना तो एक सीक्वेंस में उन्होंने डाल दिया। अब सेक्शन नंबर ये जो भी है एक सीक्वेंस में है तो इसी का नाम लिखा जाता है, और ये सर्टिफिकेट उनको बताया जाता है कि इन्होंने पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई इस तरीके को, अब इन्होंने हमारे पास एक डिक्लेरेशन फाइल की है, एक कसम फाइल की है कि हमने वो सारी क्लाजेस को ए बी सी डी जो भी क्लाजेस हैं उनको मान लिया है और वो फुलफिल हो गई हैं, तो लिहाजा वो कहते हैं हम इनको ना सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब ये इस काबिल हो गए हैं कि ये बिजनेस चला लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक सर्टिफिकेट होता है जो कि बिल्कुल उसके जैसा ही होता है, जो कि कंपनीज इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होता है, इसके ऊपर भी सील लगाई होती है रजिस्ट्रार की, और इसके ऊपर भी रजिस्ट्रार अपना साइन वगैरह करता है, और इसकी भी फी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हर वो कंपनी फाइल करती है जो के पब्लिक कंपनी होती है या गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, तो उसने कहा जी रजिस्ट्रार के पास जब ये सर्टिफिकेट फाइल हो जाएगा, वो जितनी भी इंक्वायरीज करनी हुई उनको करने के बाद जो उसको सेटिस्फाई हो जाए वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो इस सर्टिफिकेट का इशू होना कंक्लूसिव एविडेंस है कि ये सेक्शन जो है अप्लाई हो गया, ये सेक्शन मान लिया गया, अब कंपनी इस तरीके से ऑनवर्ड अपने बिजनेस चला लेगी और जो भी बोरिंग पार्ट्स हैं उनको अप्लाई कर लेगी। ये सेक्शन कभी भी उस कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, अ कंपनी कन्वर्ट फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, ऐसी कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता जो प्राइवेट कंपनी थी और बाद में पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होगी, और ये कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता जो कि गारंटी लिमिटेड है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, तो फिर दो ही कंपनियां बची जिनके ऊपर ये अप्लाई होता है, एक पब्लिक कंपनी और एक ऐसी गारंटी लिमिटेड कंपनी जिसका शेयर कैपिटल होता है। तो नॉन कॉन्सिक्वेंसेस फॉर कंप्लाइंग सेक्शन नंबर 19, ये अब तुम खुद ही पढ़ोगे, ये बिल्कुल ईजी है, अब इसमें जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे मैंने तुम्हें बता दिए। तो बच्चों देखो, अब तक हमने कौन कौन सी कंपनीज बना दी, हमने प्राइवेट कंपनी बना दी, हमने सब कुछ पढ़ लिया कि कंपनी को बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, लेकिन अभी तक तुमने एक ऐसी कंपनी नहीं पढ़ी जो कि एनजीओज वगैरह होती हैं, तो इनके लिए भी कंपनीज एक्ट में अब जगह मौजूद है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक मेरा होगा सेक्शन नंबर 42-43, तो इसके ऊपर मैं कंक्लूड करूंगा आज के लेक्चर को। तो लाइसेंस ऑफ एसोसिएशन विद चैरिटेबल एंड नॉट प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स, सेक्शन नंबर 42 कहता है जहां आप एससीसीपी को कमीशन को प्रूव कर दें कि आप वाकई ही कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल लॉफुल है, बिल्कुल लॉफुल काम है, और इस काम को करने से जितने भी इसकी कोई प्रॉफिट या अर्निंग हुई अगर, तो वो इसी ऑब्जेक्ट के लिए लगा देंगे। उन्होंने कहा सेक्शन नंबर 42 कहता है अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन कमीशन को सेटिस्फाई कर दे, कमीशन को तसल्ली दे दे, रजिस्ट्रार को प्रूव कर दे कि हम वाकई ही एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे जो भी प्रॉफिट होंगे हम उस काम में दोबारा लगाएंगे, और इसके जो भी प्रॉफिट होंगे इसके जो मेंबर्स होंगे जो इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे उनमें तकसीम नहीं करेंगे, तो लॉ कहता है आपको एक कंपनी बनाने, एक लिमिटेड कंपनी बनाने की इजाजत दे देंगे विद द वर्ड गारंटी लिमिटेड या इसके बगैर। तो वो कौन से काम होते हैं पहले वो काम देख लेते हैं। देखें, अगर कोई कंपनी, अगर कोई लोग कमीशन को सेटिस्फाई कर दें कि हम पाकिस्तान में ना ये वाले काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान में कॉमर्स प्रमोट हो, जैसे एप्टमा हो गया, हम चाहते हैं पाकिस्तान में आर्ट प्रमोट हो, साइंस प्रमोट हो, रिलीजन कोई प्रमोट करना है, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बाज दफा कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है जो कहती है जी बस गंदगी नहीं फैलानी,
कूड़ा जो है ये नहीं फैलाना, हम बस इसके खिलाफ हैं। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, हमने पर्सन्स को इकट्ठा करना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, हमने सफाई करवानी है, सोशल वेलफेयर, हमने सोशल वेलफेयर के काम करने हैं, हमने चैरिटी का कोई काम करना है, हमने चैरिटी का काम करना है। ईदी रहमतुल्लाह अले उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेक्शन नंबर 42 के तहत बनी है। हमने चैरिटी का काम करना है या हमने कोई ऐसा काम करना है, हमने अवाम की खिदमत करनी है, तो लॉ कहता है कि अगर तुमने इनमें से कोई काम करना है ना, तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव है कि तुमने इनमें से कोई काम जो है इसको प्रमोट करना है पाकिस्तान में, तो कहता है तुम एक कंपनी बन जाओ। अच्छा, कंपनी बनने का फायदा क्या है? ये तो वैसे भी काम कर सकते हैं, कंपनी बनने का फायदा क्या है? देखो, अगर कुछ लोग चाहते हैं कि सोशल वेलफेयर हो, वो कुछ लोग हैं, ठीक है, और वो सोशल वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं, उन्होंने अपना ऑफिस भी बनाया है। अब वो लोगों को कह रहे हैं कि आप हमें डोनेशन दे, आप हमें डोनेशन दे, हम आपकी डोनेशन से क्या करेंगे, हम इसी काम के ऊपर काम करेंगे, इसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करेंगे, तो यकीन जानो कोई भी उनको डोनेशन नहीं देगा। हाँ, अगर उनको एक लीगल स्टेटस मिल जाएगा, एक सहारा मिल जाएगा SCCP का कि यार ये देखो हमने ना SCCP को सेटिस्फाई किया था, हमने SCCP को प्रूव दिया था कि हम वाकई ही जो डोनेशन लेंगे उसको इसी पर्पस के लिए लगाएंगे, ये देखो हमारे पास सर्टिफिकेट है SCCP का, SCCP गवाही दे रहा है कि वाकई ये लोग ये काम करेंगे, कि जो भी इन्होंने काम करना है वो लॉफुल काम के लिए प्रमोट करेंगे। जितने भी कंपनी को अगर कोई प्रॉफिट्स हुए, इन केस ये कंपनी कोई काम ऐसा करती है इसको कोई प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट वापस इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देंगे, और इसके जो मेंबरान हैं जो इसको लेके चल रहे हैं इसके सोशल वर्कर, उनको कभी भी मुनाफा नहीं दिया जाएगा। और सच कंपनी ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज और इस कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज है ना, वो पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ कभी भी नहीं होंगे। कहता अगर ये चार काम आप प्रूव कर देना, तो कहता आपको कमीशन क्या करेगा, कमीशन में बाय लाइसेंस फॉर अ पीरियड, किसी खास वक्त के लिए, पीछे आपने नहीं पढ़ा पीरियड कोई खास होता है, लेकिन इनके लिए एक खास पीरियड होता है, इनको लाइसेंस अपना रिन्यू करवाना पड़ता है सेक्शन नंबर 42 के तहत। परमिट्स द एसोसिएशन टू बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विदाउट एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड आर एक्सप्रेशन ऑफ गारंटी लिमिटेड टू इट्स नेम। तो लॉ कहता है कमीशन अगर सेटिस्फाई हो गया, SCCP सादा के सादा सेटिस्फाई हो गया, उसका कमिश्नर सेटिस्फाई हो गया कि तुम लोगों ने ये चार काम ऐसे ही करने हैं, कि तुम्हारा पर्पस था कि तुम चाहते हो पाकिस्तानी अवाम में साइंस की वेलफेयर, साइंस की अंडरस्टैंडिंग प्रमोट हो, तो तुम क्या चाहते हो, तुमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तुम्हारा ऑब्जेक्ट है साइंस जो है वो प्रमोट हो पाकिस्तानी अवाम में, तो तुम अवाम से जो भी कंट्रीब्यूशन या तुम्हारे मेंबर्स के जो भी कंट्रीब्यूशन हैं तुम इसी पर्पस के ऊपर लगाओगे, ये जो भी सोशल वर्कर हैं इनको कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और उसके बाद ये जो भी तुम काम करने जा रहे हो, जो भी तुमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ नहीं होगा, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होगा। और उसके बाद कमीशन को जब ये सर्टिफिकेशन मिल जाती है, तो कमीशन किसी खास मुद्दत के लिए, इनके सर्टिफिकेट के ऊपर ना एक मुद्दत लिखी होती है कि हमने इनको 2 साल या 3 साल के लिए अलाउ किया है कि इस ऑब्जेक्ट को, साइंस के ऑब्जेक्ट को प्रमोट कर लें अवाम में, तो परमिट कर देता है ऐसी एसोसिएशन को, ऐसे पर्संस को कि आप एक पब्लिक कंपनी बन जाएं, लेकिन इनके साथ ना तो पब्लिक लिमिटेड का नाम आएगा, ना गारंटी लिमिटेड का नाम आएगा। लाइसेंस कमिश्नर जब भी लाइसेंस इशू करेगा, इनको टर्म्स एंड कंडीशन बता देगा जो उसको फिट लगेंगी। उसके बाद एसोसिएशन ऑन रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन शैल एंजॉय द ऑल प्रिविलेजेस एंड सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ द लिमिटेड कंपनी। जब ये कंपनी बन जाती है, जब ये एसोसिएशन बन जाती है, जब ये फाउंडेशन बन जाती है, तो इसके पास वो तमाम के तमाम अख्तियार आ जाते हैं जैसे कि एक पब्लिक कंपनी के होते हैं। वो अवाम को अपील कर सकती है कि आप हमें पैसा दें, हम इसी ऑब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे। अब एक ऐसे पर्पस पर्सन के लिए यकीन जानो चंदा मांगना जो है
बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि ये एक लीगल पर्सन बन गया है और इन्होंने कसम उठा ली है कि इस चंदे से जो भी पैसे आएंगे हम अपने ऊपर नहीं लगाएंगे, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे। तो सेक्शन नंबर 42 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही रिलीफ है जो कि बिल्कुल सच्चाई में आवाम की खिदमत करना चाह रही है। तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है इस सेक्शन के थ्रू, और ऑब्जेक्ट किसके लिए काम करना है ये आपके सामने है। फिर उन्होंने कहा कि कमिश्नर को जब भी फिट लगेगा इन राइटिंग वो क्या करेगा, इनका सर्टिफिकेट जो है वो मंसूख कर देगा, और सर्टिफिकेट तब मंसूख किया जाएगा जब कमिश्नर सेटिस्फाई होगा कि कंपनी या इसकी मैनेजमेंट फेल टू कंप्लाई है, उन्होंने वो कंडीशंस नहीं मानी जो कि रजिस्ट्रार ने इशू की थी, और उसके बाद एनी अदर रिक्वायरमेंट जो कि लॉ या रेगुलेशन कहता है, तो कहता है कि जो कमिश्नर है ना इनका सर्टिफिकेट रिवोक कर देगा। और ये जो रिटन एग्जाम होता है ना, तो मैं अपने बच्चे को ये वाली बातें लाजमी लिखवा के और तसल्ली से चेक कर लेता हूँ कि वाकई उसने याद किया या नहीं किया। रिटन एग्जाम में ऐसा होता था, लेकिन जैसा कि एमसीक्यू है तुम्हें सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। कमिश्नर इन तमाम हालातों वाकयात के ऊपर किसी भी एनजीओ का सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगा। ये बिल्कुल ना नॉर्मल से हालातों वाकयात हैं, तुमने इनको पढ़ना है। ये मैं आपको बोलता हूँ कि आप पढ़े बिल्कुल। अब आसान मैंने बताया कि कमिश्नर ने ऊपर सर्टिफिकेट इशू किया, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों और कैसे इशू किया, किस ऑब्जेक्ट के लिए इशू किया। अब कमिश्नर के पास इख्तियारात हैं कि इनका सर्टिफिकेट कैंसिल भी हो सकता है। ये ए से लेकर और यहाँ तक तुमने खुद पढ़ना है कि वो कौन कौन से काम होते हैं कि जिसके ऊपर रजिस्ट्रार इनका सर्टिफिकेट कैंसिल कर देता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम ऑनवर्ड चलेंगे। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वो आस्क करें यहाँ तक। होपफुली मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया आपको। आप क्वेश्चन पूछें अब। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है सर, वर्टिकल इंटीग्रेशन में एमओए आर्टर होगा, नियो बनेगा। देखो, आपने क्वेश्चन पूछा है होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी के हवाले से कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी क्या वो अपने आर्टिकल या मेमोरेंडम में लिखेगी कुछ, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ता भाई। हमने अभी सेक्शन पढ़ना है इन्वेस्टमेंट बाय आ कंपनी, ठीक है। हमने अभी लेक्चर की सीरीज पढ़नी है एक इन्वेस्टमेंट बाय आ कंपनी, कि कंपनी जब एक इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका तरीकेकार क्या है। सिर्फ उस तरीकाकार को अपनाना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं ना, क्योंकि लॉ ने तुम्हें कह दिया, तुम्हें आजादी दे दी है लॉ ने कि तुमने अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद तुम्हारे पास इख्तियार है कि तुम इस पर्पस को अचीव करने के लिए कुछ भी करो, लेकिन लॉफुल काम करो। फिर जब हमने पढ़ना है ना कि कंपनी के ये मसले मसाइल होते हैं, टेक ओवर होल्डिंग होती है या जो भी होता है, तो उसके लिए पूरी डिटेल में रेगुलेशन है, उन तरीकेकार को अपनाना पड़ेगा, फिर ये टेक ओवर वगैरह होते हैं। अच्छा जी, या इनको, अच्छा सर बिफोर जी, ये कंपलसरी है कि आप पहले अपना नेम रिजर्व करवाएंगे। आप ऐसे ही मेमोरेंडम को डाउनलोड करके और अपना नाम जो है वो लेके चले नहीं जाएंगे। नेम रिजर्व करवाने की फी होती है और नेम सिलेक्शन की फी होती है, ठीक है। फिर मेमोरेंडम फाइलिंग की भी फी होती है, नेम की सूटेबिलिटी और नेम को सिलेक्ट करना, अप्रूव करवाना भी लाजमी होता है। फिल करके सबमिट करने के बाद एओए की जरूरत तो नहीं होती? नहीं, ये जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं ना, इकरा आपको आज ग्रुप में शेयर किया होगा, लिस्टेड कंपनीज का, सॉरी कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन, उसमें डिटेल बयान है। एक नज़र देखो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यार अगर कंपनी रजिस्टर करवानी होती है तो सबमिट होते हैं। उसमें लिखा होता है जो सब्सक्राइबर होते हैं उनके वैलिड CNIC, NTN, ये वो MOA, AOA, तो ये सारे डॉक्यूमेंट एक साथ ही हमें सबमिट करवाने होते हैं। इकरा ने बताया कि सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन दोबारा बता दें। जब भी एक पब्लिक कंपनी बनती है ना, इकरा तो अपने मेमोरेंडम में लिखती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन,
कि कम से कम इतने पैसे तो इकट्ठे करेंगे हम, फिर जब ये मिनिमम पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो इसके ऊपर हम शेयर अलॉट करेंगे। लेट्स सपोज एक पब्लिक कंपनी ने कहा 10 मिलियन अवाम से इकट्ठा होगा तो हम शेयर अलॉट करेंगे, तो हर पर्सन जो है एप्लीकेशन सब्सक्राइब कर रहा है, तो जब 10 मिलियन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गई तो डायरेक्टर के पास फिर इख्तियार आ जाते हैं कि जो 10 मिलियन जो है ना, 10 मिलियन के शेयर अलॉट कर दे, इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन सादा जुबान में। हाँ जी, ये वाली स्लाइड आज ही मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा जो नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया। प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, हाँ यार अब्बास प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। अब जो भी कंपनी बनेगी देखो, गारंटी लिमिटेड के पास मेंबर होते हैं, और बात सुनो, प्राइवेट कंपनी के पास शेयर होल्डर तो क्या, प्राइवेट कंपनी के पास मेंबर्स भी होते हैं। और मैंने पहले एक दो चैप्टर में ना लेक्चर में तुम्हें फर्क समझाया था कि मेंबर और शेयर होल्डर क्या होता है, तो वो रिकॉर्डिंग सुन लेना यार। जो मेंबर होता है ना वो शेयर होल्डर हो सकता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं हो सकता, शेयर होल्डर मेंबर हो सकता है। देखो गारंटी लिमिटेड के पास सिर्फ मेंबर्स होते हैं, उसके मेंबर्स अपने आप को शेयर होल्डर नहीं कह सकते जब तक उस गारंटी लिमिटेड ने अपने आप को उस गारंटी को शेयर्स में तकसीम ना किया हो। तो शेयर होल्डर सारी कंपनी के पास होते हैं, सब जब नेम इशू हो जाए और हम उसको यूज ना करें विद इन स्पेसिफाइड पीरियड तो किसी और को इशू कर सकता है। हाँ जी कर सकता है नेम। फिर उसके बाद सर क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फिल करने से पहले, ये भी हो गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन में ऐसी भी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी कंपल्सरी करनी करनी होगी? देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ऊपर तो नहीं, लेकिन हाँ जो गुफरान उसके ऊपर है ना ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसकी लिमिट्स बताई गई हैं कि इतनी इतनी होनी चाहिए। लेकिन जो है ना, एक मुझे याद आया SRO, उसमें 90% बताया हुआ है कि जब आप कोई ऑथोराइज कैपिटल को सिलेक्ट करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपको करना पड़ता है कि 90% जो है ना आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसकी रखनी पड़ती है, फिर आप उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हो किसी कंपनी के थ्रू। सर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर, देखो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसी एसोसिएशन को ज्वाइन करना है तो कर लो, एप्टमा को ज्वाइन करना है तो कर लो। प्लीज एक्सप्लेन शेयर्स, शेयर्स अभी हमने पढ़ने हैं यार। अब्बास कंपनी को शेयर्स कैसे इशू करती है सर? उसके बाद सर इस वीक के नोट, हाँ जी न्यू नजम भाई, अब पुराने ग्रुप में कोई चीज़ नहीं शेयर करूँगा, जो कुछ भी शेयर करेंगे ना न्यू ग्रुप में ही हम शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपने न्यू ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लें। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें ये आप लोग खुद पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 42, और ये इनका लाइसेंस कैसे कैंसिल होगा ये आप खुद पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन क्या होता है? जब एक लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 42 बाय द कमीशन, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी सारी एक्टिविटीज अपनी बंद कर देगी एक्सेप्ट द रिकवरी ऑफ मनी और टू इट, जो पैसा इसने लेना है सिर्फ वो इकट्ठा करेगी, इसके अलावा कंपनी ये जो भी एसोसिएशन फाउंडेशन, अगर इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया ना, कमीशन ने कैंसिल कर दिया, तो ये कोई भी सोशल एक्टिविटी करने के काबिल नहीं रहेगी। हाँ अगर इसने किसी से पैसे लेने हैं तो वो लाजमी ले लेगी। उसके बाद कंपनी जो है शेल नॉट सोलिसिट, सोलिसिट का मतलब होता है परस्यूएड करना, परस्यूएड या आप को क्या एग्जांपल दूं सोलिसिट की, या जैसे इंश्योरेंस वाले होते हैं ना, वो आपको मनाते हैं कि आप हमें पैसा दें तो हम जो है आपके पैसे को अच्छी तरह यूज करेंगे, उसको बोलते हैं सोलिसिट करना, कि
कि परसुएड करना, मनाना। तो उसके बाद कहता है जी कंपनी फिर सोलिसिट भी नहीं करेगी, ना किसी से डोनेशन रिसीव करेगी। उसके बाद जितने भी एसेट होंगे कंपनी के, जितने भी इस फाउंडेशन के एसेट होंगे, उसकी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद ट्रांसफर कर देने हैं किसी ऐसी ही फाउंडेशन को जिसका लाइसेंस बना होगा सेक्शन नंबर 42 में, और जो सेम काम कर रही होगी पाकिस्तान में विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेवोकेशन, या ऐसा पीरियड जो कि कमीशन सेलेक्ट कर देगा। तो इम्पैक्ट क्या हुआ यार, यहाँ तक हमारा जो सर्टिफिकेट था उसको कैंसिल करने का, कि कंपनी अपनी सारी एक्टिविटीज बंद कर देगी, ऐसी कंपनी सिर्फ जिससे पैसा लेना है उससे पैसा ले लेगी, उसके बाद किसी को भी ये सोलिसिट, परसुएड या डोनेशन नहीं मांगेगी। उसके बाद जितने भी इसके एसेट होंगे इस फाउंडेशन के, वो किसी ऐसी फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जो सेम काम कर रही होगी पाकिस्तान में, जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे, और ये ट्रांसफर करने होते हैं इस फाउंडेशन के कर्जाजात पे करने के बाद। तो विद इन 90 days ये सारा काम करना होता है, या उस पीरियड के दौरान काम करना होता है जो कमीशन अलाउ करता है। फिर इस कंपनी को वाइंड अप करता है कमीशन, और इसके एसेट्स में से उतने पैसे रख लिए जाते हैं जो के वाइंडिंग अप में काम आएंगे। उसके बाद इस कंपनी का जो बोर्ड होगा, इस कंपनी के जो इस फाउंडेशन के जो डायरेक्टर्स होंगे, वो विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लायंस, जब ये सारा काम कर लेंगे, उसके विद इन 15 days वो एक रिपोर्ट बनाएंगे और रजिस्ट्रार को सबमिट कर देंगे कि हमने ये सारा काम वैसे ही किया जैसे आपने ऊपर बताया। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये एसेट ट्रांसफर किए जाएंगे उसके लिए, अब सुनो, अब ये तो फाउंडेशन बंद कर दी ना SCCP ने, और इसके कोई ना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जो कि सोशल काम कर रहे थे। तो SCCP ने कहा, जब इन्होंने स्टेटमेंट मुझे फाइल कर दी ना कि हमने वो सारा काम कर दिया जो कि आपने बताया था, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को इनके एसेट ट्रांसफर हुए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ये कभी नहीं जा सकेंगे, ना ये जाएंगे ना इनके फैमिली मेंबर जाएंगे, कि चलो उस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके सोशल एक्टिविटी कर ले। तो लॉ ने कहा ऐसे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे या इनके फैमिली मेंबर्स होंगे, विदिन अ पीरियड ऑफ 5 years मुझे नजर नहीं आने चाहिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें इनके एसेट्स ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि कंपनी जब सेक्शन नंबर 42 के तहत कैंसलेशन इसकी होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो बच्चों आज की सीरीज में यार हमने पढ़ा कि कंप्लीट किया कि कंपनी को कैसे बनाना है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है, हाँ कौन सी कंपनी है जिसको वो सर्टिफिकेट मिलते ही वो काम करना शुरू कर देगी, हाँ कौन सी कंपनी होती है जिसको अभी रुकना होता है और मजीद जो है रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। फिर उसके बाद हमने एक ऐसी कंपनी पढ़ी, एक ऐसी फाउंडेशन पढ़ी जो कि सोशल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करना चाह रही है, उसके ऊपर सेक्शन नंबर 42-43 पढ़ा। और आने वाली सीरीज में हम इंशाल्लाह बहुत कुछ पढ़ेंगे, आने वाली सीरीज में हम कन्वर्जन पढ़ेंगे सबसे पहले, कि अगर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन गई वो पब्लिक में चेंज हो सकती है या पब्लिक प्राइवेट में चेंज हो सकती है, और गारंटी लिमिटेड दूसरी कंपनी में चेंज हो सकती है, वो सारी चेंज पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके बाद कंपनी बनाना मैंने सिखा दिया, इसके फौरन बाद जो एग्जामिनर टॉपिक छोड़ता ही नहीं किसी भी एग्जाम में, रिटन एग्जाम तो उसके बगैर तो बनाता ही नहीं ना एग्जामिनर, और इवन के ये जो हमारा MCQs का एग्जाम हुआ इसमें डिस्क्रिप्टिव भी उसने उससे पूछा। कंपनी बनाने के बाद फौरन से मैं अपने बच्चों को ले जाता हूँ, चलो आओ अब ये कंपनी बना ली, अब इसको वाइंड अप करवाते हैं। तो कंपनी कन्वर्जन के बाद मैं आपको सिखाऊंगा वाइंडिंग अप होती क्या है, एग्जाम में कौन कौन सा एरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको तुमने करके जाना है। तो वाइंडिंग अप की इंशाल्लाह ऑन द कमिंग वीक हम ये कन्वर्जन, और कोशिश करेंगे कि सारी की सारी वाइंडिंग अप क्लियर हो जाए। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन हो किसी का?
चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।